दोस्तों एक बार फिर से रशिया ने साबित कर दिया है कि वो कैसे न कैसे भारत की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद जरूर कर देता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर जो यूएसए के एम्बेसडर है वो पाकिस्तान में पीओके में गए हुए थे। पीओके में जाकर उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए, ट्वीट्स के अंदर साफ लिखा कि वो भी आजाद कश्मीर में खड़े हैं, और जिसका ये साफ मतलब बनता है कि वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाना चाहते हैं, जो कि सरासरी गलत है, क्योंकि आजाद कश्मीर एक ऐसी टर्म है जो कि अभी तक यूएन भी यूज नहीं करता, जिसका भारत ने खुलकर विरोध किया। हालांकि यूएसए की गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन या फिर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन तभी रशिया ने रिसेंटली कुछ इन्फोग्राफी को रिलीज किया जिसके अंदर उन्होंने सरकारी न्यूज एजेंसी स्पूतनिक के अंदर कुछ मैप्स को रिलीज किया है, और जिनमें रशिया ने ना सिर्फ पीओके बल्कि अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया। हालांकि रशिया इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा बहुत ही कम करता है, क्योंकि ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी कि मैक्सिमम इंटरनेशनल मैप्स के अंदर पीओके और अक्साई चीन के हिस्से को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया जाता। वैसे आप रशिया के स्टेप के बारे में क्या कहना चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।